करते हैं अब नाउ क्लास देखेंगे। स्टार्ट। यस सर। चलो अब क्लास स्टार्ट करने की मूड में है। हाँ कल अभी हम लोग का क्लास जो है वो केमिस्ट्री का क्लास है। रोमा सर। ईशा चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मेटल नॉन मेटल, ठीक है? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल। यस, डिफाइंड मेटल। डिफाइंड मेटल बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप जो बता सकती है आप बताओ। इलेक्ट्रिसिटी ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? कंडक्ट का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड। इट अलाउ टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट हैज ए मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट उत्कर्ष। यस मैम, हैज बीन मेटल सन। वन बाय वन प्लीज, एक साथ मत बोलो, वन बाय वन। हर एक बच्चों को फायदा होना चाहिए। मेलियबल होता है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ठीक है? पूछो मुझे, बताओ। प्रिंस। यस सर। बेटा डिफाइन मेलियबिलिटी। सर जब हम आयरन को, सर जब हम आयरन को एकदम क्या कहते, पीट पीट के अति कर देते। बेटा आयरन को कंसीडर मत करो क्योंकि अभी हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? तो मेटल बोलो, ठीक है सर? बोले, बोलो बेटा सर, बोले। हाँ जी सर, जब मेटल को पीट पीट के सीट में बदल दिया जाता है। कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट। वेरी गुड, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है, वेरी गुड। हिमांशु शेखर, ए हिमांशु, हाउ आर यू? चलो, मैलियबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल कैन बी बीटेन एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मतलब मेटल को हम जब पीटते हैं बाय हैमर, हैमर का मतलब हथौरा, हथौरा से जब हम पीटते हैं तो वह जो है पतला चादर में बदलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैलियबिलिटी। मैलियबिलिटी मतलब उसको पिटाई खाने की आदत होता है, एबिलिटी ऑफ पिटाई। यस, उसके बाद आते हैं बात करते हैं, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मानव, मानव, मानव सर बोले। यस सर, जिससे मैं पूछूंगा वही बताना। यस सर। हाँ मानव। यस सर। डिफाइन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, यस, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच
they can be drawn into thin wire. Very good. भाई देख के बोलना ये. Very good. Sums. Yes sir. Metal have a high density. What is the meaning of density? कल मैंने density पे ही अपना class को drop करा था. Do you know about density? Do you know about density? Yes sir. Sums. No. सर समझ में नहीं आ रहा बेटा डेंसिटी क्या होता है क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल हैव अ हाई डेंसिटी तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी डू यू नो नो सर ओके एनीवन हु नो अबाउट डेंसिटी एनीवन हु नो अबाउट डेंसिटी Yes, Pranav. Tell me. Yes, Kalpana. Yes. Kalpana. Sir, mass per unit volume नहीं होगा. हाँ बेटा वही होता ही है. Mass upon volume. Yes. Yes, एक मिनट वेट डेंसिटी इसको कहते हैं घनत्व क्या सर घनत्व घनत्व का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है मास का मतलब होता है द्रव्यमान देखो हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी इसके लिए और इसका मतलब होता है आयतन ठीक है यस सर तो जो मेटल होता है बेटा मेटल मेटल का मतलब जिसको अभी तक धातु पढ़ा होगा आप लोगों ने इसका मतलब होता है कि इसकी जो पार्टिकल्स ठीक है इसके जो पैकेजिंग होती है इसकी जैसे ये हमारा मान लो आयरन बार है इसकी जो पैकेजिंग होती है बेटा टाइटली होती है इसके जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है नो गैप ठीक है हार्ड पैकेजिंग होता है तो हार्ड पैकेजिंग होने के कारण क्या होता है इसका मास भी हमारा क्या है मास ज्यादा होता है ठीक है तो डेंसिटी जो होता है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोई दिक्कत डेंसिटी जो होता है वह मास का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जैसे हम लोग अपने बाल को देखो अपने हेयर को देखो सबसे अच्छा बाल है सबसे अच्छा स्टाइलिश हेयर कहोगे वो है हिमांशु शेखर का बहुत अच्छा है हेयर वेरी गुड तो ये क्या है इसके पास डेंस हेयर है डेंस हेयर का मतलब क्या होता है नो गैप ठीक है इसके जो हेयर स्टाइल देख रहे हो आप जो बाल है इसके बीच में कोई गैप नहीं है दैट मींस क्या शो कर रहा है कि हैव अ हाई डेंसिटी हेयर डेंसिटी इसका क्या है हाई है और अगर हाई डेंसिटी होता है दैट मींस क्या समझते हैं कि उसका मास क्या होगा ज्यादा होगा समझ में आया तो पार्टिकल्स की जो पैकेजिंग होती है वो टाइटली होती है तो टाइटली होती है दैट मींस कि मास उसका ज्यादा होगा तो इसीलिए मेटल का क्या होता है मास ज्यादा होता है तो हम समझ जाते हैं क्या हमारा हाई डेंसिटी समझ में आया yes, sir. किसको नहीं आया जल्दी कैरी करो सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ओके देखो मैंने कहा आपको कि डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ठीक है रेशियो होता है किसका मास एंड वॉल्यूम जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी को डिनोट कैसे करते पता है डेंसिटी को डिनोट करते हम लोग रो से क्या रो पी जो होता है ना छोटा वाला पी ऐसा ये इसको कहते हैं रो
क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो डेंसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. डेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर मान लो कोई भी अगर पार्टिकल्स की पैकेजिंग अगर ज्यादा होगा तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा तो इसका मास क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना? यस सर. मास बढ़ा तो क्या होगा? हाई डेंसिटी. समझ में आया? यस सर. कोई दिक्कत इसको? वेरी गुड. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कैरी करो. कल्पना को डाउट है. यस कल्पना. बिल्कुल. इंटरमोलिकुलर गैप ज्यादा नहीं होता, फोर्स ज्यादा होता है. आप फोर्स बोल रही है गैप बोल रही है? हाँ बिल्कुल, फोर्स ज्यादा होता है. उसके पार्टिकल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक साथ मतलब टाइटली पैक्ड होता है. ठीक है, जैसे मान लो आप लोग किसी के मैरिज में जाते हो, नहीं तो आप लोग जो नाश्ता यूज करते होंगे तो जिसमें जिस शादी में ज्यादा रसगुल्ला, जिसके नाश्ता के पैकेट में ज्यादा रसगुल्ला रहता है वो ज्यादा अच्छा लगता है ना? और जिसमें कम रसगुल्ला रहता है मतलब वो उस नाश्ता क्या होता है? हल्का होता है ना? और जिसमें ज्यादा रसगुल्ला वो क्या होता है? भारी होता है. तो अपन समझ जाते हैं कि वो नाश्ता का जो पैकेट है वो बहुत यमी नाश्ता होने वाला है. हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज के लिए, है ना? तो मेटल का भी सेम केस है. ज्यादा पार्टिकल्स होता है इसके लिए मास इसका ज्यादा हो जाता है. मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी हो जाता है उसका, हाई डेंसिटी. ठीक है, जैसे हिमांशु का बाल देखना, हिमांशु शेखर हिमांशु सिंह दोनों का बाल देखो कितना है, वो हाई डेंसिटी. हिमांशु का कम है सर. हाँ असाइल का कम है, तो समझ जाना कि इसके पास क्या है, लेस डेंसिटी. बहुत जल्दी ये गंजा होने वाला है. ओके गुड. चलो अब आगे आ जाओ. हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज देखा और उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज होगा. ठीक है sir. आ रहा है सबको समझ में? यस सर. यस सर. चलो yes, sir. अब मैं आज के हाँ वेरी गुड. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इस पे आ जाओ, डिस्कस करते हैं क्योंकि रिएक्शन वाला पार्ट है. तो आपको पता है कि रिएक्शन कितना अच्छा होता है. घर में बैठे बैठे हम लोग बहुत सारा रिएक्शन कर रहे हैं आजकल. केमिकल प्रॉपर्टीज. साहिल आप हॉस्टल में हो बेटा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है. हाँ कल्पना. अब आप लोग अपना ज्ञान मत दो, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना, सबको फायदा होगा. Yes. पहला है रिएक्शन विथ एयर. रिएक्शन विथ एयर. रिएक्शन विथ एयर. एयर का मतलब क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन जो होता है O2 गैस. ठीक है, तो yes, इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग लिखने की कोशिश करना फिर समझना, मुझसे पूछना. व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एयर दैट गिव्स मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड. समझ में आया? मेटल ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड. कोई दिक्कत किसी को? बोलिए बेटा. रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बन गया बेटा? सोडियम ऑक्साइड. फॉर्मूला क्या होगा? 2Na2O. Na2O. वेरी गुड. किसने बोला ये? सर हिमांशु. सर हिमांशु वेरी गुड. Na2O मतलब यह जो देख रहे हो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? मेटालिक ऑक्साइड बना. ये क्या है हमारा? मेटालिक ऑक्साइड है. मेटालिक ऑक्साइड.
ये हमारा क्या था, सोडियम, और यह क्या है, ऑक्सीजन गैस। कोई दिक्कत? नो सर। तो जब सोडियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। इसको मेटालिक ऑक्साइड का नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यह जो Na2O देख रहे हो आप, Na2O, यहाँ पे गौर से देखो कि ये जो हमारा अभी आपने थोड़ी देर पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन का मतलब LHS=RHS। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम अकेला है और यहाँ पे दो सोडियम है, देख रहे हो आप लोग। यहाँ सोडियम अकेला है और यहाँ पे जब कंपाउंड बन रहा है तो सोडियम क्या है, यहाँ पे दो हो रहा है, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? 2Na2 तो 2Na हो जाएगा, तो दो तो अब ये Na2 और 2Na दोनों बैलेंस है। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी हो गया अब हमारा 2। कभी भी कोई भी कंपाउंड के जो पार्टिकल्स को बढ़ाओगे तो कभी भी याद रखना कोफिशियंट फॉर्म में लिखोगे, कभी भी कोफिशियंट फॉर्म में लिखोगे। समझ में आया? बीच में मत लिख देना, साइड में मत लिखना, केवल और केवल यहाँ पे छेड़छाड़ करना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे अब, हाँ, तो ऑक्सीजन अब 2 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन 2 होने से क्या हो रहा है, सोडियम 2 तो पहले से था, आज में नहीं आया। किसको नहीं आया बेटा? पहले आप ये प्रॉपर्टी लिख लिए। यस सर। आपने लिखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या होने वाला है, मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, फिर से सब लोग समझना, ये बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग का मतलब संतुलन। ठीक है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, संतुलन, दोनों साइड LHS=RHS हमारा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग, अब हम लोग जब पढ़ेंगे एटम के बारे में, तो एटम का जो रिएक्शन, जो भी एटम्स को देखते हो या कंपाउंड देखते हो या एलिमेंट देखते हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें एक वर्ड आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? मतलब किसी भी चीज को, जब कोई भी केमिकल एलिमेंट, केमिकल कंपाउंड या केमिकल एटम को आप जब जोड़ते हो, तो उसका कुछ नियम होता है, ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे, नहीं तो फिर केमिस्ट्री आज केमिस्ट्री नहीं होता। समझ में आया? तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, मास का मतलब तो समझ ही रहा हूं, और दूसरा होता है फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो। ठीक है, और एक तीसरा अभी आपको नहीं जानना है, ये दो आपको 10th तक काम देगा। सुन रहे हो सब लोग? तो यस सर। यस सर। यहाँ पे जो आपने देखा है कि सोडियम जब हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मतलब गैस के साथ, तो हमारा क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, Na2O। यहाँ पे सोडियम क्या है, अकेला है, मान लो इसका 5 ग्राम मास हुआ, इसका मास कितना हुआ, 5 ग्राम, कोई दिक्कत? और यहाँ पे 5 × 10 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? Yes, sir. तो जब मास देखो तो क्या ये इक्वल है मास? नहीं है ना बेटा? No, sir. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, इस टर्म में जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस। समझ में आया? बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मास देन वी विल गेट बैलेंस। समझ में आया? बैलेंस कंडीशन। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा यहाँ पे 5 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम है, तो इस 5 ग्राम को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो तभी 10 ग्राम होगा। यस सर। मान लो 2 से कर दिया, पहले 2 से कर रहे हैं, अभी चेक करना है इसको, 2 से करा मैंने इसको मल्टीप्लाई, तो 5 × 10 और ये भी 10 ग्राम, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अगर मान लो ये हमारा 6 ग्राम का था, 2 ऑक्सीजन था 6 ग्राम का, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो मतलब 3 ग्राम हो गया, कोई दिक्कत? बोलो।
ये मैं सपोज कर रहा हूँ, इसको एज्यूम करना, आपको मान के चलना है कि अगर 5 ग्राम का सोडियम था लेकिन जब ये कंपाउंड के फॉर्म में गया तो यहाँ पे 10 ग्राम हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. और यहाँ पे ऑक्सीजन मान लो अगर एक ऑक्सीजन 3 ग्राम का था तो 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 6 ग्राम का ऑक्सीजन गैस है हमारा, तो जब बाहर गया जब कंपाउंड बनाया तो यहाँ पे अकेला क्या बन रहा है, 3 ग्राम का बन रहा है। दो अगर 2 = 6 है तो 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Yes, sir. तो अब यहाँ पे हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे अब ये 3 ग्राम को बैलेंस करने के पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग। और जब भी याद रखना बैलेंसिंग जब भी किया जाता है तो वो हम बगल में लिखेंगे, केवल और केवल बगल में, कभी भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना यहाँ पे कभी भी नहीं लिखेंगे गलत होगा, बीच में कभी भी नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? Yes, कोई दिक्कत? तो अब इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश से फिर से बना रहा हूँ, वो देखो आप गौर से देख रहे हैं, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे अब 2 × 4 हो गया, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा सोडियम अनबैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है और यहाँ पे 2 ही है, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, समझ में आया? बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। क्लियर है आप लोग, सब लोग क्लियर हो? बताओ सम आ गया आपको? चलो नेक्स्ट हम बात करें, हम कुछ और एग्जांपल दूं, बोलो। यस सर। चलिए मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो जब मैंने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, किसको कराया? मैग्नीशियम। यस, तो मैग्नीशियम हमारा Mg होता है, उसका सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। जी। इसका अगर हम KLMN करते हैं, KLMN, ये तो आप लोग जानते होंगे। यस सर। यस सर। तो Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, आप लोग को याद है? 2। यस सर। कितना होता है बेटा? 2 होता है। 2। 12 होता है बेटा। 12 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना आता है जल्दी बताओ, 8, बचेगा कितना, 2, यही 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। और हम लोग जानते हैं एक तरह से कि 4 से जब हमारा नीचे रहता है अगर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वही हमारा क्या होता है, उसका वैलेंसी हो जाता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। वो Mg की वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई, वेरी गुड। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ समझ में आया? कोई दिक्कत? आप देखो यहां पे बेटा Mg है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। Mg प्लस ऑक्सीजन, जब मतलब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कहोगे आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे Na2O हो रहा था और यहाँ पे MgO हो रहा है, क्या है ना, डाउट हो रहा है ना आप लोग को? सर इसका होगा सर 2MgO। डाउट हो रहा है आप लोग को? बोलो। नहीं ना, देखो MgO क्यों हुआ, MgO क्यों हुआ, Mg की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। इसको मैंने क्रॉस किया, इसको इस मेथड को कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या कहते हैं इसको? क्रिस क्रॉस मेथड, वेरी गुड। आप लोग शायद जानते भी होंगे, तो ये 2 और 2 क्या है, दोनों का न्यूट्रल होके क्या बचता है, MgO, ठीक है? ठीक है,
समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को बोलो। नो सर। अब मैं और आगे बताऊं? यस सर। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या ये बैलेंस है, ये जो हमारा इक्वेशन है कि बैलेंस दिख रहा है हिमांशु सिंह? ये बैलेंस है क्या? हाँ, क्या होगा बताओ? यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? अब हम लोग इसको तोड़ तोड़ के देख करेंगे। रॉबिन, हाउ आर यू? रियलमी नार्जो 10A रॉबिन। आप लोग अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, मैग्नीशियम हमारा दोनों साइड क्या है? इक्वल है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल मास में है, कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में आप लोग को? ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो। और यहाँ पे क्या है? अकेला है, तो ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। अब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमजी अब कितना हो गया बताओ जल्दी? एमजी भी दो हो गया ना, हो जाएगा टू। हाँ, तो यहाँ पे आके टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। और अभी जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताया है वही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एयर या ऑक्सीजन गैस, तो मतलब समझते हैं कि जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत है इसमें? मेटालिक ऑक्साइड पहला प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वह है हमारा रिएक्शन विथ एसिड। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है बेटा, रिएक्शन विथ एसिड। समझ में आया? रिएक्शन विथ एसिड एंड एसिड। थोड़ी सी मेरी राइटिंग तो अभी लंगड़ा रही है, इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टूड रहोगे हैं? ठीक है, रिएक्शन विथ एन एसिड। हाँ पढ़ाओ, हैव यू एनी डाउट? यस बेटा। Yes, when metal react with acid, that metal salt. Very good. Salt. Gives plus hydrogen salt. Yeah, metal salt भी बोल सकते हो आप लोग. Metal salt plus hydrogen gas will be evolved. हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब हवा में मिल जाना, कोई दिक्कत? इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? निकलना, रिलीज आउट। ठीक है, रिलीज। यस बेटा, तो एक रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन विद एन एसिड। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड देन व्हाट सब्सटेंस विल प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के तौर पे वेयर एग्जाम्पल आप ले लो कैल्सियम। कैल्सियम इज अ मेटल, कोई दिक्कत? कैल्सियम हमारा क्या है? मेटल है। जब यह रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, H2SO4 कौन सा एसिड है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, याद रखना। रसायन का राजा है ये, इसके साथ पंगा नहीं लेना आप लोग। ठीक है, हम लेंगे। जो लेगा कौन बोला? हम लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। CaSO4, वेरी गुड कल्पना। कैल्सियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा? कैल्सियम क्या करेगा? सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस सल्फेट के साथ मिला लेगा, अपना मिली भगत बना के एक अपना नया पार्टी बना लेगा, और साथ में क्या निकलेगा हमारा? रिलीज क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। और इवोल्यूशन का साइन होता है ऊपर का एरो। समझ में आया? इसको मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है इवोल्यूशन। रिलीज। यस बेटा, रिलीज, वेरी गुड। समझ में आ रहा है आप लोग को? सर नीचे का एरो डाला तो एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, वेरी गुड।
तो यहाँ पे आप देखो, आप लोग बैलेंस की कंडीशन में चेक करो कि क्या ये हमारा बैलेंस है। तो यहाँ पे कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, ठीक है। और हाँ बैलेंस है क्या? वाह आप लोग कितना एक्सपर्ट हो यार, ऑल आर जीनियस, यू ऑल आर जीनियस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये रिएक्शन देख के, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ो, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं, बेटा आ जाता हूँ मैं आगे। हाँ चलो अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटा, किसी को और कुछ एग्जाम्पल समझना हो तो बोलो और बताऊंगा। किंग ऑफ केमिकल बेटा, ये रसायन का राजा है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, किंग ऑफ केमिकल। हाँ बेटा, यस खुशबू, बेटा और भी एग्जाम्पल जानना है? नो सर, सर एक और बता। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो आप लोग, सब लोग कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्पल। I am giving an example of a reaction with acid. So, aluminium plus. Okay, okay, okay. Okay, aluminium. Bolo Kalpana, tell me. Aluminium plus. Yes, beta. And nitric acid le lijiye. HNO3. Okay, nitric acid isko kehte hain. Kya kehte hain isko? Nitric acid bahut badmaash hai ye. Kya reaction de rahi hai pata hai aapko? ये जो रिएक्शन आपने लिखा है ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा बेटा, ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है, बहुत बदमाश हो, बहुत स्मार्ट हो आप, वेरी गुड। चलो अच्छा है, अच्छा रिएक्शन, इसको समझो एक बार, एक नया कॉन्सेप्ट को आपको ऐड होगा, आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं बेटा, ये जो है नाइट्रिक एसिड, आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट की ओर चलना है। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आप लोग को दो टर्म जानना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, कल्पना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस एग्जांपल को अभी रहने दो, कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ये एग्जांपल, अभी बताऊंगा, टाइम आउट हो जाएगा आपका, टाइम बर्बाद। इस एग्जांपल को मैं, हाँ टाइम आपका किल हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर पूरा बताऊंगा तो इसमें अभी आप कम से कम इस लेक्चर को बताने मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा। समझ में आया? इस रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको ऑक्सीडेशन जानना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, और इसको जानना आपको रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन जो लूज ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, अच्छा है। और यह क्या करता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। यस यस, किसका ये गाना बज रहा है? आप लोग सुन रहे हो मुझे क्लियरली? Yes, देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी, जैसे आपने पहला रिएक्शन देखा था कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एयर, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एयर, तो क्या बनाता था, मेटालिक ऑक्साइड बनाता था। yes. तो मतलब क्या हो गया, उसने ऑक्सीजन को गेन करा है, मतलब क्या हुआ, जैसे Mg को, अभी Mg क्या था, पहले कुछ नहीं था, इनिशियल स्टेज में एक मेटल था। yes. जब इसको बर्न किया गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया क्या। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम क्या गेन कर रहा है, किसको अटैच किया, ऑक्सीजन को। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया किसी को कि नहीं? यार इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिए थे बेटा, यस सुनाई दिए थे, H2SO4 तो कैल्सियम प्लस H2SO4 तो कैल्सियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले छोटा एग्जांपल से समझो, क्योंकि यहाँ पे और भी बच्चे हैं जिनको जानना है बेटा।
आप डायरेक्टली सीधा वहां पे मत जाओ, वहां पे फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों बताना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक एक करके तोड़ के पहले समझोगे तभी तो आगे बताऊंगा किसी को, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आ रहा होगा बेटा। सुना? यस सर। हाँ, तो जिसको नहीं आ रहा बेटा ध्यान देना, सबको जानना है, सबको पढ़ना है, इसलिए सबको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन देख रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम क्या हो रहा है, जब इसको हम एयर के साथ रिएक्शन करा है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। आर्यन, समझ में आ रहा बेटा? जो बच्चे प्रमोट हुए हो उन बच्चों के लिए मेरा एक डाउट सेशन होगा, उन लोगों के लिए मेरा एक डाउट सेशन होगा, उसमें प्रमोटेड बच्चों को इन सारे जो भी टर्म बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को बहुत सारा दिक्कत होगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज को आप